बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पीटीआई अरकाने कौमी असेंबली ने इस्तीफों की इज्तिमाई तस्दीक का इसरार किया तो स्पीकर ने इनकार कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने अपने चैम्बर में पीटीआई वफद को साफ साफ कह दिया कि इस्तीफों की इस तस्दीक के लिए आना है तो एक एक करके आए, इज्तिमाई नहीं इनफरादी तस्दीक करें तो इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। इसकी मजीद तफसीलात क्या है जानते इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे खसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या होने जा रहा है इस्तीफों के मामले पर फिर? जी देखिए, सबक जो है वो दिखा दी गई है और किसी किस्म का जो मुतालबा था तहरीक इंसाफ का वो स्पीकर की जानिब से उसको अक्सर मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का वक्त जो है वो स्पीकर से मुलाकात के लिए आया था जिसमें वक्त ने यह मौका अख्तियार किया कि हमने इज्तमाही इस्तीफे दिए हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए, हमने किसी के इंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए कि एक एक करके बुलाया जाए। ये भी गुफ्तगू की गई पीटीआई की जानब से कि पहले भी 11 इस्तीफे गैर आईनी तरीके से मंजूर किए गए और जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट इस्तीफे की मंजूरी से मुतल्लिक वाजे कर चुकी है और इस्तीफे हमारे साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी मंजूर कर चुके थे और अब इस्तीफों की तस्दीक का अमल नहीं बल्कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेजने का है। स्पीकर की जानब से ये मामला जो है तहरीक इंसाफ का वो सुना गया और उसके बाद उनकी जानब से कहा गया कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं, सियासतदानों में रबते होने चाहिए और इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के जो कवायद जवाबत हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा और ये वादे कर दिया है स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कि इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। पहले भी पीटीआई मेंबरान को इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से मदद किया गया था लेकिन उनका कहना था कि पीटीआई के कराची से एक रुकन असेंबली ने इस्तीफे की मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया था तो इसलिए स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार करते हुए ये कहा है कि एक एक करके पेश हों, तस्दीक कराएं और इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। तहम इस्तीफे मंजूर करने की इज्तिमाई मंजूर जो दरख्वास्त है उसकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और अब कुछ देर बाद बाबा तौर पर जो मीडिया टॉक है तहरीक इंसाफ के वक्त की जानब से वो भी सामने आएगी और वो अपना मौका रखेंगे। तहम जो एक कोशिश की जा रही थी कि इस्तीफों की तलबी से पहले जो है एक वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था और वो आज मुलाकात तय हुई थी और उसमें मुद्दा जो है वो सामने रखा गया इमरान खान की हिदायत के मुताबिक लेकिन स्पीकर ने ये मामला सुनने से उनकी जो मुतालबा है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।